Everyone. Today we will study about the BIOS and the functions of BIOS. So BIOS basically stands for Basic Input Output System, which is the most important part of our system. और ये BIOS motherboard पे लगा हुआ होता है, right? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा BIOS screen है. जैसे ही आप लोग computer on करते हो, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, जैसे ही पावर बटन ऑन होता है, टैप करते हो आप लोग ऑन करने के लिए, तो ऑन करने के बाद जस्ट तुरंत बाद अगर आप लोग वहां पे F10 या F12 या एस्केप बटन या डिलीट बटन आप प्रेस करोगे, तो वहां पे आपको ये बायोस मेन्यू को एक्सेस करने का ऑप्शन आता है, राइट? तो बायोस मेन्यू को एक्सेस करने के लिए किसी कंपनी के लैपटॉप में F10 की यूज होता है, किसी कंपनी के लैपटॉप में F12 होता है, किसी में डिलीट होता है, राइट? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज यूज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के लैपटॉप या सिस्टम्स में बायोस मेन्यू को एक्सेस करने के लिए. तो जैसे ही बायोस मेन्यू आप लोग ओपन करोगे, तो इस तरह का ये मेन्यू एक यहाँ पे आपको दिखेगा, जहां पे आप कीबोर्ड के हेल्प से नेविगेट कर सकते हो. नेविगेट का मतलब ऑप्शंस को आप चूज कर सकते हो, अप डाउन राइट लेफ्ट. आपको यहाँ से यहाँ पे दिखा रहा होगा दैट आप ये प्रेस करोगे, एरो की प्रेस करोगे तो ऊपर नीचे आप हो सकते हो, राइट? और किसी भी चीज को चेंज करना है, मीन्स वैल्यूज को आपको चेंज करना है, तो F5 और F6 या फिर प्लस या फिर माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज वैल्यूज करके लिखा हुआ है, राइट? तो इस तरह का ये बायोस मेन्यू होता है. बायोस क्या होता है वो हम लोग देखेंगे अभी. तो इस तरह का ये बायोस चिप है हमारा, दिस इज कॉल्ड बायोस चिप, जो हमारे मदरबोर्ड पे एम्बेडेड होता है, मीन्स उस पर अटैच्ड रहता है. So okay, now we will see what is BIOS. So the full form of BIOS is Basic Input Output System. अब ये BIOS एक प्रोग्राम होता है, ठीक है? तो BIOS एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो BIOS चिप में स्टोर्ड होता है. You can see here, BIOS चिप में हमारा BIOS प्रोग्राम क्या होता है, स्टोर्ड होता है. तो जैसे ही हमने लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन किया, राइट? जैसे ही हमने पावर बटन को प्रेस किया, हमारा सिस्टम क्या हो गया, ऑन हो गया. ऑन होते के साथ आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरह का कुछ लाइट्स होता है ना, स्मॉल लाइट्स हमारे लैपटॉप में, जो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है. इसका मतलब हमारा प्रोसेस सिस्टम क्या हो गया, अपना प्रोसेस करना स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोस प्रोसेस, ठीक है? मीन सबसे पहला जो प्रोग्राम हमारे सिस्टम पर रन करता है ऑन करते के साथ, वो होता है बायोस प्रोग्राम, ठीक है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम, जो कि बायोस चिप में स्टोर्ड होता है. तो बायोस चिप भी एक तरह का रोम चिप होता है, राइट? रोम चिप हमने पढ़ा था ना, रोम रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी स्टोरेज यूनिट में हम पढ़े थे. तो बायोस भी क्या होता है, रोम चिप का ही एक टाइप होता है, और वो नॉन वोलेटाइल होता है, राइट? क्योंकि रोम भी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल. तो अब यहाँ पे आप देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे स्विच ऑन किया, पावर स्विच ऑन किया, तो ऑन करते के साथ सबसे पहले हमारा मदरबोर्ड किसको एग्जीक्यूट करता है, मीन्स हमारा मदरबोर्ड में जो बायोस चिप है उस पर जो प्रोग्राम है, बायोस प्रोग्राम, वो बायोस प्रोग्राम को हमारा प्रोसेसर, हमारा सीपीयू ऑटोमेटिकली सबसे पहले लोड करके और उसको एग्जीक्यूट कर देता है. इसका मतलब ये है कि सबसे पहला प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम पर रन करता है वो बायोस प्रोग्राम होता है, राइट? तो बायोस अब करता क्या है? अभी तो हम लोगों ने देखा, ठीक है, बायोस चिप में बायोस प्रोग्राम स्टोर्ड है, वो सबसे पहले लोड हो रहा है सीपीयू में और वो एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? तो एग्जीक्यूट होने के बाद वो करता क्या है, राइट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायोस? सो बायोस सबसे पहले यहाँ पे एक टेस्ट स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट टेस्ट. यू कैन सी हियर, पोस्ट मींस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. तो ये एक तरह का टेस्ट है जो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट करता है, राइट? तो सबसे पहले ये पोस्ट टेस्ट स्टार्ट करता है, जिसमें क्या होता है, ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करता है. तो जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हो, यू कैन रीड इट, दिस टेस्ट इज कैरिड आउट एज सून एज वी टर्न ऑन द कंप्यूटर टू चेक ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर मेट एंड ऑल द हार्डवेयर आर वर्किंग प्रॉपरली ऑर नॉट. मीन्स हमारे सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स है, आइदर इट इज ग्राफिक्स कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड्स, और जितने भी USB पोर्ट्स है, पेरिफेरल पोर्ट्स है, राइट? जितने भी चिप्स लगे हुए हैं, ठीक है, मदरबोर्ड पे, तो ये सारे हार्डवेयर पार्ट्स जो हमारे सिस्टम पे लगे हुए हैं,
और अदर देन दैट वी हैव पेरिफेरल पार्ट्स ऑल्सो, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, राइट. तो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट. तो सबसे पहले ये पोस्ट चेक में, टेस्ट में ये चेक किया जाता है बायोस के जरिए, ठीक है. तो सबसे पहले जैसे हमारा सिस्टम ऑन हुआ ना, सबसे पहले इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक किया जाता है बेसिकली, दैट एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. तो अगर अब हर पार्ट्स उसको अगर ठीक ठाक मिला, ठीक है, बायोस को अगर हर हार्डवेयर डिवाइस या हर हार्डवेयर पार्ट अगर उसको सही मिला, तो एक आपको सिंगल बीट करके कंप्यूटर हमारा क्या करेगा, देगा, राइट. इट विल मेक अ शॉर्ट सिंगल बीप. यू कैन सी हियर, इट विल मेक अ शॉर्ट सिंगल बीप. शॉर्ट सिंगल बीप का मतलब बीप एक साउंड होता है ना, बीप एक सिंगल साउंड होता है. तो एक सिंगल बीप वो देगा, इसका मतलब सारा कुछ ठीक है, ठीक है, विच इंडिकेट्स दैट एवरीथिंग इज ओके. हमारे सिस्टम में हर कुछ ठीक है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन पे है, तो हमारा कंप्यूटर अब बूट होने को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे एक सिंगल बीप का मतलब वो सही है. अगर दो या तीन बीप वो लगातार दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हार्डवेयर फॉल्ट है, राइट. तो हार्डवेयर फॉल्ट आपका ग्राफिक्स कार्ड में फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, आपका किसी भी टाइप का हार्डवेयर पार्ट्स डैमेज हो सकता है, या वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा तो वो फॉल्ट दिखाएगा, राइट. या फिर अगर आपका OS ही उसको नहीं मिल पाया, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही अगर बायोस को नहीं मिला, ठीक है, कंप्यूटर पे या सिस्टम पे, तो आपको शो कर देगा देयर इज नो OS फाउंड. कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमको नहीं मिला, आप चेक करो या फिर किसी बूटेबल डिवाइस को डाल के रीइंस्टॉल करो, राइट. तो ये होता है अगर दो या तीन बीप कॉन्टिन्यूसली अगर आपको आपका सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट है, ठीक है. या तो वो रैम में फॉल्ट हो सकता है, किसी भी चीज में फॉल्ट हो सकता है, बट वो हार्डवेयर डिवाइस में ही फॉल्ट होगा, राइट. सो ये पोस्ट टेस्ट का मतलब होता है कि सिस्टम ठीक है या नहीं, ये बताना. नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जैसे आपने एक टर्म पढ़ा बूट, ठीक है, जैसे सब कुछ जब ये चेक कर लिया डेट एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक ठाक है, अब क्या करेगा, ये बूट करेगा. तो बूट यहाँ शॉर्ट फॉर्म है बूट स्ट्रैप के लिए, ठीक है. बूट स्ट्रैपिंग होता क्या है कंप्यूटर पे, तो जैसे ही ये पोस्ट टेस्ट खत्म होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से लोड हो जाता है रैम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, राइट. क्योंकि जब आपका कंप्यूटर बंद रहता है ना, तो वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है. हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहता है, हार्ड डिस्क में ही रहता है. तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, ये पोस्ट टेस्ट होने के बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, और फिर वहां से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है. मीन्स हमारा सिस्टम अब रन करने के लिए तैयार है, अब हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं. तो आप जैसे देख रहे हो कि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, तो इस तरह का स्क्रीन यहाँ पे हम लोग को दिखता है, राइट. इसका मतलब विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होने वाला है अब. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बूटिंग. इसी को हम बूटिंग बोलते हैं, बूट. बूटिंग का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से लोड करना रैंडम एक्सेस मेमोरी में, और फिर वहां से उसको एग्जीक्यूट करना. फिर वहां से आप क्या कर सकते हो, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हो. सो दैट इज कॉल्ड बूटिंग. सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोस. बायोस होता क्या है और ये क्या काम करता है. नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस आई हैड गिवन ऑफ बायोस, जैसे कि बायोस प्रोग्राम्स कंट्रोल्स द स्टार्टअप प्रोसेस एंड लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी. जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया दैट बायोस प्रोग्राम्स हमारे स्टार्टअप प्रोसेस को कंट्रोल करता है. जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑन किया या सिस्टम ऑन किया, वहाँ से ऑन करते के साथ और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होते तक, ठीक है, ये स्टार्टअप प्रोसेस होता है. तो ये सारा प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है, हमारा बायोस प्रोग्राम कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है बायोस इज एन एग्जांपल ऑफ फर्मवेयर. तो जैसे मैंने अभी बताया दैट रोम चिप भी क्या होता है, फर्मवेयर होता है. क्यों, क्योंकि इसमें जो भी प्रोग्राम डाला जाता है ना, फीड किया जाता है, वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही फीड करके आपको दिया जाता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट. तो फर्मवेयर यहाँ पे आपको एक नया टर्म दिख रहा होगा, इसके बारे में हम लोग एक न्यू लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. फर्मवेयर एक तरह का मीन्स आप बोल सकते हो ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में आता है, राइट. तो ये हम लोग, मैं आपको ये एक न्यू लेक्चर में डिटेल में आपको ये बताऊंगा दैट फर्मवेयर क्या होता है. तो बायोस आप ये समझ के चलिए, बायोस क्या है, फर्मवेयर का ही एग्जाम्पल है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है. ये मैन्युफैक्चरर कंपनी जो होते हैं वही आपको वहाँ पे एम्बेड करके प्रोग्रामिंग करके आपको दे देते हैं, उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते.
हाँ, अगर आपको बायोस चिप ही चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो, बट उसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? उसी का मतलब होता है फर्मवेयर। नेक्स्ट है, बायोस इनिशियलाइजेस द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एज द कंप्यूटर इज बीइंग बूटेड। तो जैसे ही कंप्यूटर बूट हो रहा होता है, मीन्स बूटिंग प्रोसेस चल रहा होता है, जैसे अभी मैंने बताया, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना और उसको एग्जीक्यूट करना, तो ये बूटिंग प्रोसेस जैसे चल रहा होता है, सारा का सारा हार्डवेयर डिवाइसेस को बायोस क्या करता है, इनिशियलाइज कर देता है। इनिशियलाइज मतलब वर्किंग स्टेज में ले आता है, ठीक है? बायोस चिप इज नॉन वोलेटाइल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था दैट बायोस चिप क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ रोम चिप, ये रोम चिप का ही एक टाइप है। बट एज द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्सेप्शन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, पॉइंट्स है बायोस के लिए। जैसे ही हम लोग कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो कंप्यूटर में जो भी हम लोगों ने सेटिंग करके रखा है, ठीक है, जैसे कि डेट एंड टाइम सेटिंग्स, बूट सीक्वेंस, हार्डवेयर सेटिंग्स, तो ये जो भी सेटिंग्स हम लोगों ने क्या किया है, कॉन्फिग्योर किया है, सेटअप किया है, तो कंप्यूटर को उसको मेंटेन करके रखना जरूरी होता है, राइट? अगर वो कंप्यूटर बंद भी हो रहा है, टर्न ऑफ भी हो रहा है, तो ऑफ होने के बाद भी वो सेटिंग्स वहां मेंटेन होना चाहिए, राइट? तभी तो आप लोग अगर दोबारा अपने सिस्टम को ओपन करोगे, ऑन करोगे, तो आपको वही सेटिंग्स मिलेगा आपको, जो भी आपने कस्टमाइज खुद से किया था अपने अकॉर्डिंग, राइट? तो इस कारण क्या होता है ना, ये सारा का सारा बायो सेटिंग्स को हम लोगों ने सीमोस चिप में रखा है, ठीक है? अब बायो सेटिंग्स जो होता है ना, बायोस में आप जो भी सेटिंग्स कॉन्फिग्योर करते हैं, मीन्स बायोस का सेटिंग्स को जो भी आप चेंज करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, ये सारा सेटिंग्स बायो चिप में नहीं रहता है, कहाँ रहता है, सीमोस चिप में रहता है। तो सीमोस चिप भी एक तरह का रोम चिप ही है, मीन्स ये भी बायो चिप के जैसा ही होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इस तरह का ही होता है, ठीक है? और उस पे क्या होता है, हमारा बायो सेटिंग्स जाके स्टोर रहता है, ठीक है? जैसे बायोस चिप में बायोस प्रोग्राम स्टोर्ड है, वैसे ही सीमोस चिप में बायोस का सेटिंग्स स्टोर होता है, राइट? अब सीमोस का मतलब ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है एक्स्ट्रा, ठीक है? तो ये एक एक्स्ट्रा चिप होता है हमारे मदरबोर्ड पे बायो सेटिंग्स को होल्ड करने के लिए, बायो सेटिंग्स को स्टोर करके रखने के लिए, राइट? अब ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल होने का मतलब ये है दैट जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ, सीमोस चिप से सारा का सारा सेटिंग्स कॉन्फिग्योर किया हुआ सेटिंग्स क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, राइट? वो डिफॉल्ट स्टेज में चला जाएगा, मीन्स जैसे पहले से था इनबिल्ट, वो वैसे स्टेज में आ जाएगा। तो इसलिए सीमोस चिप को कॉन्टिन्यूअसली कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई करने के लिए हम लोग सीमोस बैटरी यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड सीमोस बैटरी, ठीक है? तो जैसे आपने कंप्यूटर ऑफ किया, राइट? तो कंप्यूटर ऑफ करने के बाद आपको पावर सीमोस चिप को तो नहीं मिलेगा, तो उसको ऑफ रहने के टाइम भी अगर उसको हम लोग को पावर सप्लाई करना है, तो उसके लिए हम लोग सीमोस बैटरी का यूज करते हैं। तो सीमोस बैटरी और कुछ नहीं होता है, जैसे कि आप लोग रिस्ट वॉच पहनते हो, राइट? तो रिस्ट वॉच में जो वो सेल लगा हुआ रहता है ना, छोटा सा सेल बैटरी, वही सेम टाइप का बैटरी यहाँ पे यूज होता है, सीमोस बैटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट? तो ये प्रॉपर एक फुल एक्सप्लेनेशन था हमारे बायोस का, दैट बायोस होता क्या है, ये मदरबोर्ड पे रहता है, क्या काम करता है, हमारे सिस्टम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ बायोस इन दिस लेक्चर, और बायोस का सारे फंक्शंस ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और ये बायोस और सीमोस चिप एक दूसरे से अलग कैसे है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट? बायोस नॉन वोलेटाइल है, यू कैन सी बायोस नॉन वोलेटाइल है, बट सीमोस क्या है, वोलेटाइल। इसलिए हम लोग सीमोस चिप में जो भी स्टोर्ड होता है सेटिंग्स, उसको हमेशा कॉन्स्टेंट रखने के लिए एक सीमोस बैटरी का यूज करते हैं, ठीक है? जिससे सीमोस चिप को कॉन्स्टेंटली पावर मिलते रहता है, अगर आपका कंप्यूटर ऑफ है तो भी वहां पे पावर सप्लाई होते रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस बैटरी, मीन्स इस बैटरी के यूज से, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट सीमोस चिप एंड बायोस। सो एक न्यू टाइप का बायोस डेवलप किया गया है, दैट इज व्हिच इज कॉल्ड UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, राइट? तो ये बायोस और यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस UEFI में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग न्यू लेक्चर में, आने वाले कमिंग लेक्चर में हम लोग ये स्टडी करेंगे, राइट? सो देयर आई विल शो यू हाउ दे आर डिफरेंट। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट देयर आर मेजर डिफरेंस बिटवीन देम, मेजर मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में,
हमारे पुराने बायोस में और न्यू यूईएफआई में, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोस एंड सीमोस. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन बायोस एंड यूईएफआई, द न्यू बायोस, न्यू टाइप ऑफ बायोस. थैंक यू.